उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की तरफ आगे बढ़ रहा है। टीम योगी विदेश दौरा करके लौटी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हमारे साथ हैं। सर, पहले तो विदेश दौरे पर आप गए थे, क्या तस्वीर विदेश में उत्तर प्रदेश की? पूरी दुनिया के पैमाने पर जिस ढंग से विभिन्न प्रतिनिधिमंडल दौरे पर गए थे, मैं ब्राजील, मेक्सिको और अर्जेंटीना के दौरे पर था। दुनिया के अन्य देशों में उत्तर प्रदेश के प्रति भारी उत्साह है। निवेशक बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में आकर उद्योग लगाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास 24 करोड़ लोगों का एक बड़ा मार्केट है और हम जिस ढंग से लोगों से मिले हैं, लोगों का उत्साह है। मैं कह सकता हूं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ जिस दिन इसका आगाज करेंगे, पूरी दुनिया नजारा देखेगी। उत्तर प्रदेश शीघ्र ही आर्थिक मोर्चे पर भी नंबर एक आएगा। US हो, UK हो, कनाडा हो, स्वीडन हो, जापान हो, सब ने अपनी स्वीकृति दी है। हाँ, सभी राष्ट्र मिलकर के और वहाँ के जो उद्योगपति मिलकर के उत्तर प्रदेश में अब अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ एक बड़ा बाजार है। 24 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं और काम करने लायक माहौल है। हमने अपनी औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन किया है और लोग आना चाह रहे हैं। नॉलेज स्मार्ट सिटी नोएडा सहित बनने जा रही है, फिल्म सिटी के लिए बहुत सारा पैसा लाए, 5,000 एकड़ में। सभी विभागों में व्यापक निवेश आने के प्रस्ताव मिले हैं और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर इस बात को दोहराता हूँ कि उत्तर प्रदेश आर्थिक मोर्चे पर नंबर एक आएगा और दुनिया के साथ कदम ताल करता हुआ भारत का नंबर एक राज्य बनेगा। ये माना जाए कि फरवरी के इन्वेस्टर समिट के बाद $1 ट्रिलियन का जो लक्ष्य आप लोगों का, हमारा जो लक्ष्य है $1 ट्रिलियन, उधर हम आगे बढ़ रहे हैं। कल मुख्यमंत्री ने बैठक की जो है जाड़े को लेकर, स्वास्थ्य विभाग को लेकर, कि कोई दिक्कत ना हो, आपने क्या? मैंने स्वास्थ्य विभाग में आते ही समीक्षा की और सभी जो इस व्यवस्था से जुड़े ऑफिसर से उनको कहा है कि अस्पताल परिसर में किसी भी स्थिति में मरीज और उनके परिजनों की ठंड न लगने पर उसकी व्यवस्था करें। सर, अखिलेश यादव आज जा रहे हैं इंदफाल सोलंकी से मिलने। इंदफाल सोलंकी पर कई सारे मुकदमे दर्ज हैं, एक संदिग्ध को चिट्ठी लिखने की भी बात सामने आई है। अपराधियों को संरक्षण देना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है और ये वो ठीक से कर भी रहे हैं, अपराधियों की मदद कर रहे हैं। आने वाले समय में जनता इनका मुंह तोड़ जवाब देगी। कानपुर देहात में एक मौत का मामला था, उसमें भी समाजवादी पार्टी हाइक दे रही है, जबकि सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता सब कुछ दिया जा चुका, वहां भी जा रहे हैं। सपा हमेशा पॉलिटिक्स करती है। देखिए, तो ये थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनका कहना है कि सपा हमेशा राजनीति करती है और उनका काम जो है वो सिर्फ सिस्टम को बिगाड़ना और वो अपनी सरकार को नहीं देखते। साथ ही उन्होंने कहा कि सारे मंत्रियों ने विदेश का दौरा किया है, कनाडा से लेकर जापान तक, स्वीडन से लेकर अमेरिका तक, सभी लोग उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और फरवरी में जब इन्वेस्टर समिट होगा, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मुख्यमंत्री आगाज करेंगे, तो पूरी दुनिया देखेगी और उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को जल्द ही पहुंचने वाला और पूरी दुनिया के निवेशक अब उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं। अमर के साथ अजीत सिंह जी, मीडिया लखनऊ।